रही टेनी से सुबह ही सुबह उठ के, क्या परेशानी हो रही टेनी? टेनी प्रेग्नेंट है, जैसे कि हम जानते हैं गर्भवती है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको फिर से कोई तकलीफ़ हो रही हो। हमेशा डर लगा रहता है ना कि प्रीमेच्योर ना हो जाए या ऐसा कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। तो जैसे मैं सुबह उसे गुड मॉर्निंग या कुछ बोलने गई हूँ, मैंने देखा कि वो, मैं एक्चुअली उससे कुछ शेयर करने गई थी, कुछ गुप्त चीज़ जो मैं नहीं चाहती कि किसी और को पता चले, तो वो सीक्रेट मैं उसे बताने गई, मैंने कुछ प्लानिंग की है। तो जब मैंने देखा फिर वो तकलीफ़ में, तो मैं उसके पास चली गई। तो क्या वो सीक्रेट हम भी जान सकते हैं? तो क्या वो सीक्रेट हम भी जान सकते हैं? हाँ, एक्चुअली इंदु, यानी कि मेरा ये, मेरी कोशिश है कि मैं पार्थ और उसको करीब ला सकूं और उनके बीच के जो गलतफहमी और गिले शिकवे वो दूर कर सकूं। तो मैंने कुछ ऐसे प्लान किया है घर में कि मैं पूरी फैमिली को हम सिनेमा देखने चले जाएंगे और ये दोनों अकेले रहेंगे, तो फिर आपस ही ये एक्चुअली अभी इंदू का ये चालू हो गया है कि वो ऐसे सिचुएशंस, वो और बा और सब फैमिली मेम्बर्स मिलकर हम ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे कि पार्थ को टेनी से मदद मांगनी ही पड़े, तो उससे क्या होगा कि वो जो बीच के जो बात नहीं कर रहा है, जो उसने मुंह फेर लिया है, मन मुटाव है, वो कम हो जाए या दूर हो जाए। मन मुटाव की बात करते हैं, कहीं ना कहीं टेनी भी काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है शायद पार्थ की इतने बड़े फैसले के बाद, तो क्या वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है? वही तो मेन चीज़ है, वो सबूत, बेचारी उसके हाथ में सबूत आया भी और फिर ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से वो सबूत उसके हाथ से चला भी गया। तो अब उस और भी वो बहुत सारे सुराग है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, उसे एक एक चीज़ याद आ रही है कि कौन उस चीज़ से कनेक्टेड था, मैं किसको इस मतलब किसके हेल्प ले सकती हूँ, तो वो इस चीज़ में लगी हुई भी है। तो वो भी एक साइड बाई साइड वो भी चीज़ चल रही है उसके साथ। इस मन मुटाव में कितना ट्विस्ट मतलब देखने मिल रहा है? बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं और जिसके बारे में शायद हम भी ट्विस्ट हो गए हैं, हमारा दिमाग तो हम भी पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन यस डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपने सोचा नहीं था, क्योंकि लोग इसे एक पर्टिकुलर फिल्म से रिलेट करते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके, बट ये बिल्कुल उससे हटके होने वाला है और बहुत नई चीज़ें इसमें आने वाली हैं जो उस फिल्म में आपको देखने को भी नहीं मिला होगा। इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट ट्रैक। थैंक यू, वेलकम।